जी, कल नगर पालिका अध्यक्ष को, सिडनी मालवीय नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाते हुए पद से हटा दिया गया है। छगन भैया, क्या कहेंगे इस बारे में? अब देखिए, अगर नगर की प्रगति करना या कहीं भी प्रगति का सवाल आएगा तो भ्रष्टाचार को तो मिटाना पड़ेगा, और लोग भ्रष्टाचार ना करें इसलिए दंडित भी करना पड़ेगा। तो हर मामले की जांच हुई है और दोष सिद्ध पाए गए, उस हिसाब से कार्रवाई हुई है, तो ऐसी कार्रवाई का स्वागत है। और भी कई मामले इन पर लंबित है, मतलब सिडनी मालवीय नगर पालिका का इनका कार्यकाल काफ़ी विवादों भरा रहा है। देखिए, ये सब लंबे चलते रहते हैं मामले, आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन इनका जो भी कानूनी हल है, जो आपने गलत काम किया है उसके प्रति जो दंड की व्यवस्थाएं हैं वो सब झेलनी पड़ेंगी आपको। नगर की विकास की गति जो आपके समय में जब आप विधायक मंत्री रहे तो काफ़ी जो तेज थी, कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर की तरह ये कार्यकाल रहा है। देखिए, नगर पालिका में बड़ा सीमित पैसा होता है, अब चाहे तो उस पर जनता पे लगा दो, शहर के विकास पे लगा दो, चाहे जेब में रख लो, और जेब में रखोगे तो विकास नहीं होगा। अभी जैसे बर्खास्त की हुई है, इसके 15 दिन पहले लगभग उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे। पैसा जो नियम अनुसार है आता है, क्योंकि क्षतिपूर्ति का पैसा मिलता है और कई मामलों में इनको शासकीय सहायता मिली है, लेकिन अब सहायता का उपयोग आप कैसे करते हो इसके लिए मैं जिम्मेदार तो आप ही ठहराए जाओगे ना। और जितने भी प्रकरण हैं, कोई अनाव ऐसा नहीं कि कोई आरोप लगा रहा है राजनीतिक कारणों से आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है, जांच हुई, तथ्यों के आधार पर निर्णय हुए हैं। इन्हें जब नगर पालिका मिली थी तब नगर पालिका एक संपन्न थी, आज नगर पालिका की काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है, जहाँ लूट खसोट होगी वहाँ संपन्नता रह ही नहीं सकती। एक चीज और चल रही है, अभी CA जो आया है केंद्र सरकार ने, नागरिकता संशोधन कानून।